व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ, जो कि अक्सर आपने लोगों के वीडियोस में देखा होगा कि वो लोग एक मेथड का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड इसी के साथ साथ हमें इस प्रकार के और भी मिलते हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो हमें मिलता है क्वेरी सिलेक्टर, क्लास नेम एंड नेम टैग। ये चार जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जावास्क्रिप्ट में, और इनके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, HTML में किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट का भी पता कर सकते हैं, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू भी आप पा सकते हैं, और इसके अलावा आप इसकी मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब कि एक तरह से मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो उस HTML के प्रॉपर एलिमेंट का या फिर उस HTML के टैग का आपको पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। साधारण शब्दों में किसी भी HTML के टैग पर कंट्रोल पाने के लिए या फिर उस टैग से अपना कोई भी मनचाहा काम करवाने के लिए हम इन चार मेथड्स का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। और मैं आज ये चारों आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चारों के बारे में आज हम बहुत अच्छे से इस वीडियो में जानेंगे। एंड मुझे पता है कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो का लेंथ हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं और आपको इनसे कुछ सीखने को मिल रहा है, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जावास्क्रिप्ट सीख पाएँ और जावास्क्रिप्ट में फिर आगे काम कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले तो हम अपने HTML के फाइल पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने HTML के फाइल में आ चुका हूँ, और यहाँ पर अभी मैंने कोई भी HTML का ऐसा टैग नहीं लिया हुआ है जिसकी मुझे जावास्क्रिप्ट में ज़रूरत हो। सिंपल सा एक स्क्रिप्ट टैग है बॉडी में, जो कि जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करने के लिए है। अब तक आपको इतना तो पता चल ही गया होगा, या फिर जो बंदा डायरेक्ट मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो उसे स्क्रिप्ट टैग की क्या ज़रूरत होती है ये तो पता ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना एक ऐसा टैग यहाँ पर बनाते हैं, एक टैग हम यहाँ पर लेते हैं जिसको हम फिर जावास्क्रिप्ट में पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसके साथ हम खेलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ कौन सा टैग लूँ, मैं डिव भी लेके दिखाऊंगा आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है जब हम फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाते हैं, अबाउट अस फॉर्म बनाते हैं, या फिर किसी भी तरह का हम कोई भी फॉर्म अगर बनाते हैं ना, तो उसमें इनपुट टैग सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है यूज़र से डेटा को प्राप्त करने के लिए, और वहीं पर हमें जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है उस जगह पर ही। तो चलो एक इनपुट टैग लेते हैं, और बेसिक सा इनपुट टैग मैंने लिया है यहाँ पर, इसमें कुछ नहीं है, इसकी टाइप इनपुट है। एंड यहाँ राइट साइड में आप देखें ब्राउज़र में एक इनपुट टैग भी आ गया है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है, और इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट है। और अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बस इतना ही रखते हैं इसको, और इसमें एक आईडी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक आईडी मैं इसको दे देता हूँ, क्या आईडी दें हम इसको, आई थिंक मुझे इसको कोई ऐसा आईडी देना चाहिए जो कि इसके नाम से थोड़ा हटके हो, और आप लोगों को ये भी बिलीव दिला सके कि हमने वाकई में इसको आईडी से जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल किया है, राइट। तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ सब्सक्राइब नाम से मैंने इसको आईडी दे दिया है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे HTML के फाइल में सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट टैग है जिसका आईडी है सब्सक्राइब, और उसके अंदर उसकी टाइप डिफाइंड है टेक्स्ट, ठीक है, बेसिक, बिल्कुल ईजी। जावास्क्रिप्ट का फाइल देख लीजिए, मेन डॉट जेएस के नाम से है, और ये बिल्कुल एम्प्टी है, कंसोल में कुछ नहीं है, वेब पेज में सिर्फ एक इनपुट आ रहा है। और चलिए अब आके कोड करते हैं। तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल बना लेना चाहिए ताकि मैं अपने एलिमेंट को एक छोटे से नाम के थ्रू ही कभी भी यूज़ कर पाऊँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा लेट, और मैं इसको लिखूँगा इनपुट इज इक्वल टू, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी इसको प्राप्त करने के लिए मुझे लिखना होगा डॉक्यूमेंट
देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट आपको लिखना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ डॉक्यूमेंट मतलब होता है, जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि ये जितना भी आप वाइट कलर का ये जो देख रहे हो ना, पूरा का पूरा ये आपका एक डॉक्यूमेंट है। जावास्क्रिप्ट इसको डॉक्यूमेंट मानता है, जावास्क्रिप्ट नहीं जानता कि ये आपका वेबसाइट है, आपका वेब पेज है। जावास्क्रिप्ट बोलता है कि ये मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट है, तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट, और मैंने इसको डॉक्यूमेंट नाम से पहचानता हूँ। तो तुम्हें अगर इस वेब पेज के अंदर किसी भी चीज़ का पता लगाना है, या कोई भी चीज़ ऐड करनी है, हटानी है, या कुछ भी करना है, तो तुम्हें मुझे बताने के लिए डॉक्यूमेंट नाम के वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं। ऑल राइट, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना अगर मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो। अब मैं लिखूँगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये लिखा, पेरेंथेसिस देने हैं, राउंड ब्रैकेट्स, एंड मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ, मैंने वो क्लोज कर दिया था। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो कंसोल ओपन हो जाएगा। यहाँ कंसोल में जाएंगे तो हमें एक एरर मिल रहा है, विच इज़ टाइप एरर, फेल्ड टू एग्जीक्यूट गेट एलिमेंट ऑन डॉक्यूमेंट। ये अभी इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने गेट एलिमेंट में कोई भी आईडी नहीं दी है, दैट्स वाई हमें ये एरर आ रहा है। बट अब मैं इसको एक आईडी दूंगा। आईडी यहाँ पर आपने वो देनी है जिस आईडी के थ्रू आप अपने एच टी एम एल के टैग को जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं इस इनपुट टैग से जो है खेलना चाहता हूँ, इस इनपुट टैग की वैल्यू मुझे लेनी है, या फिर मुझे इस इनपुट टैग के बारे में जानना है। तो इस इनपुट टैग को मुझे सबसे पहले तो एक आईडी देनी होगी, जो कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ, और फिर उस आईडी को मुझे क्या करना है, कॉपी कर लेना है और जावास्क्रिप्ट में जाना है, और इन डबल कोट्स के बीच या फिर इन सिंगल कोट्स के बीच वो आईडी डाल देनी है। याद रखना है, कभी भी डायरेक्ट आईडी को पेस्ट मत करना, ऐसे ये एक एरर होगा। आपने क्या करना है, आपने या तो डबल कोट्स का यूज़ करना है या फिर सिंगल कोट्स का, और उसमें आईडी पेस्ट कर देनी है इस प्रकार से। तो जैसे ही आप आईडी पेस्ट कर दोगे, तो अब क्या हो गया है, आपका वो जो एलिमेंट था एच टी एम एल फाइल के अंदर, ये जो हमारा इनपुट एलिमेंट था, ये आपने कनेक्ट कर लिया है, या फिर आपने एक तरह से पा लिया है अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल में, और अब आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बस सिर्फ इस इनपुट नाम के वेरिएबल के थ्रू, ठीक है? अब इस इनपुट नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू आ गई है, वो आपका एच टी एम एल का टैग आ गया है, ठीक है? तो अब इसके साथ आप खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब मैं लिखूँगा, अब मुझे कंसोल डॉट लॉग करना है, यानी कि कंसोल में मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि दिखाने के लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक कंसोल होता है, और इसके अलावा एक विंडो डॉट अलर्ट होता है। तो मैं कंसोल का यूज़ करूँगा, ये बहुत आसान है। और कंसोल में आप जानते हो कि हम किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इनपुट लिखूंगा तो मुझे पूरा का पूरा वो HTML का टैग मिल जाएगा। तो मैंने जैसे इनपुट लिखा, देखो मुझे वो HTML का टैग मिल गया कंसोल में, आप देख सकते हो पूरा का पूरा टैग मिल गया है, उसकी टाइप भी आ गई है, आईडी भी आ गई है। अब फॉर एग्जांपल, मैं इस टैग के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, लाइक मैं इस टैग के अंदर एक क्लास दे देता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने इसको मान लो, और आप देखो साइड में क्लास वहाँ ऐड हो गई है। जैसे जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वैसे वैसे वहाँ वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि हमें ए टू जेड वो हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि मैंने इसको क्लास दे दिया मान लो इनपुट क्लास, तो आप देखो वहाँ पर भी हमें इनपुट क्लास देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से उस टैग के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स का वैल्यू विद एट्रीब्यूट्स हमें सब देखने को मिलेगा। मतलब कि जैसा कि आप HTML के वेब फाइल के अंदर प्रॉपर एक टैग को देख रहे हो ना, एज इट इज़ टैग आपको एकदम सेम कॉपी पेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कंसोल में देखने को मिलेगा। और इसके साथ आप फिर खेल भी सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है? ऑल राइट, तो ये इस प्रकार से आप HTML टैग को कंट्रोल करते हो। अब इसके साथ कुछ और चीज़ें भी की जा सकती है, अगर आप इनपुट के बाद डॉट लगा दोगे तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर मैं स्टाइल लिख दूं, तो अगर मैंने इसके ऊपर कोई CSS लगाई होगी तो वो मुझे यहाँ दिख जाएगी। फिलहाल मैंने इसके ऊपर कोई CSS नहीं लगाई है, तो मुझे कोई भी यहाँ पर स्टाइलिंग नहीं दिख रही है, सब कुछ डबल कोट्स के अंदर नल है, कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा, स्टाइल के अलावा आपके पास और भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, लाइक इनर HTML। इसका उपयोग करके आप टैग के अंदर अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू है इनर HTML, तो आप प्राप्त कर सकते हो। इनर HTML भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। इनर HTML का यूज़ हम पैराग्राफ में करते हैं, वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कैसे करना है। और इसके अलावा डॉट में अगर मैं इसमें लिख दूं कि इसकी, अगर मुझे मान लो सिर्फ और सिर्फ, अभी देखो जैसे मुझे ना, मैंने इनपुट लिखा हुआ है तो मुझे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी टाइप पता करनी हो तो मैं कैसे करूँगा? तो आपको क्या करना है, इनपुट
डॉट टाइप लिख देना है। तो जैसे आप ये लिखोगे तो आपको इसकी टाइप मिल जाएगी, देखो टेक्स्ट आ रहा है यहाँ, ठीक है, क्योंकि HTML के पेज में जाके देखो तो यहाँ पर इसकी टाइप भी टेक्स्ट है। इसी प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट का आईडी पता करना हो तो आप यहाँ पर आईडी लिख दोगे तो आपको आईडी मिल जाएगा। सब्सक्राइब हमने दिया था, बिल्कुल सही। इसके अलावा अगर आपको इसका क्लास पता करना हो तो यहाँ पर आप क्लास नेम लिखोगे और यहाँ पर आपको इसका क्लास पता चल जाएगा। देखो ध्यान से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बहुत से लोग मिस्टेक कर देंगे, वरना यहाँ पर HTML में क्लास है बट जावास्क्रिप्ट में हमने उस HTML के क्लास को पाने के लिए क्लास नेम लिखा। क्लास क्यों नहीं, बिकॉज क्लास जो है ना, ओनली क्लास जो वर्ड है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से ही रिजर्व्ड कीवर्ड है, जिसके कारण हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं HTML एलिमेंट की क्लास के तौर पर, क्योंकि वो एक जावास्क्रिप्ट का रिजर्व्ड कीवर्ड है। दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पर उसे क्लास नेम के नाम से कॉल किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो भी एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू प्राप्त कर सकते हो, बस आपको वो एट्रीब्यूट यहाँ लिखना होगा और आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो ये था हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास नेम आप लिखोगे तो अब ये क्लास से ढूंढेगा। क्लास से मतलब कि ये जो हमने क्लास दी है, तो मैं इस क्लास को कॉपी करूँगा जो कि हमारी इनपुट क्लास है, इसको मैं यहाँ जाके इस वैल्यू की जगह पेस्ट कर दूंगा और अब मुझे ये एलिमेंट मिल जाएगा। अब मैं यहाँ कर इनपुट लिखूंगा तो मुझे ये देखो, अब यहाँ वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से आ रही है हमारे पास। डिफरेंट तरीके से कैसा आ रही है मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, इनपुट में सबसे पहले तो इसने ये बताया कि ये इनपुट टाइप का है, ठीक है, इनपुट लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद हैश का मतलब होता है आईडी। आप सबको पता होगा कि हैश से आईडी को हम जो है रेफर करते हैं, कि हैश का मतलब आईडी होता है, ठीक है। दैट्स वाई हैश सब्सक्राइब, यानी कि आईडी क्या है इसकी, सब्सक्राइब है। डॉट माने कि क्लास, क्लास को जो रेफर करता है, जो उसका साइन होता है वो होता है डॉट। तो डॉट इनपुट क्लास मतलब कि डॉट इसकी क्लास क्या है, इनपुट क्लास, जो कि हमारा क्लास का नाम है। फिर सब्सक्राइब यानी कि ये इसने वापस से वही चीज़ हमें दिखाई है, आईडी और क्लास इसकी क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्लास नेम की तरह से कर सकते हो, और सेम वही चीज़ें हैं, आप वही सब डॉट लिख करके यहाँ से वैल्यूज़ को प्राप्त कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम के थ्रू हम कैसे प्राप्त करें, तो अब इसमें आपको क्या लिखना है, बस आपको इनपुट लिखना है, ठीक है, इनपुट लिखना है, ठीक है। तो अब आपको, अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने ये टैग का नाम लिखा है, ना कि इसके अंदर का कोई आईडी और ना ही इसकी क्लास, ठीक है। मैं आपको क्यों कोई भी एट्रीब्यूट या नहीं देना है। चलो मान लो मैं इनको अगर एक बार के लिए हटा ही दूँ, क्योंकि मैंने ये दोनों आपको करा दिए हैं, तो ये देखो मैंने इन दोनों को हटा दिया, ठीक है, मैंने आईडी और क्लास दोनों रिमूव कर दी। तो अभी आप देखो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इनपुट देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं उसके टैग के नाम से उसको प्राप्त कर रहा हूँ। अब इसमें एक समस्या ये होती है, या फिर इसकी एक खास बात ये है कि इनपुट नाम से जितने भी टैग होंगे वो सब आपको ये दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इनपुट टैग को ही 10 बार कॉपी पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, तो ये मुझे 10 बार दिखा देगा। देखो इनपुट 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 कोमा कोमा के बाद इनपुट इनपुट उतनी बार आएगा जितनी बार ये था। अब किसी की मैं टाइप चेंज कर दूँ, मान लो किसी की टाइप मैं ईमेल कर दूँ, तो मुझे ये इस प्रकार से दिखाई देगा। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या है, हमारे पास 9 इनपुट है, अब उसमें से एक मैंने ईमेल कर दिया है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ 9 हो गया है। अगर मैं इस ईमेल को वापस से टेक्स्ट कर दूँ तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से हम जो है इनपुट को अगर बार बार कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमें क्या होगा, इसका वैल्यू मिलेगा। दोस्तों एक एरे के अंदर इनपुट नाम से वो टैग होगा और कोमा के बाद उसकी लेंथ कितनी है, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, ये हमें दिखाई देगा। तो हमने यहाँ कुल 9 इनपुट टैग लिए हुए हैं, तो वो इसकी लेंथ यहाँ पर आ गई है, नीचे देखो 9 दिखाई दे रहा है और सबका इंडेक्स नंबर भी हमारे सामने है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या काम करता है, हमारा टैग नेम काम करता है, ठीक है। इसमें आप सीधा टैग का नाम डालते हो, ना कि कोई आईडी या फिर कोई क्लास। इसके बाद हमारा आता है क्वेरी सिलेक्टर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्वेरी सिलेक्टर। अब क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखें मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, और आईडी मैं इसको दे देता हूँ हमारा इनपुट
आईडी, इस प्रकार से मैंने इसको एक आईडी दे दिया। और अब मान लो मुझे इसकी आईडी से इसको प्राप्त करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करके नहीं, ओनली क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करके। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करना हो, किसी पर्टिकुलर टैग को सिलेक्ट करना हो, तो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि उसका आईडी सबसे पहले तो पेस्ट करना है, और फिर उसके आगे एक हैश लगा देना है, ठीक है? तो मुझे वो एलिमेंट मिल जाएगा। आप देख सकते हो मुझे यहाँ कंसोल में वो पूरा का पूरा एलिमेंट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? बिकॉज मैंने उसके आगे हैश लगा दी है। अगर मैं हैश हटा दूँ तो मुझे एरर मिलेगा, सॉरी नल मिलेगा। नल मिलेगा क्योंकि इस नाम, क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं है कि इनपुट आईडी क्या है, ये आईडी है या क्लास है, हमने ये नहीं बताया है इसको, क्वेरी सिलेक्टर को। तो अगर आप डॉट लगा दोगे तो आपको नल मिलेगा, क्योंकि इस नाम से कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं इस आईडी की जगह इसको क्लास कर दूं तो अब ये वहाँ आपको एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पर डॉट लगा दिया है, और डॉट जो है क्लास को रेफर करता है और हैशटैग आईडी को। और अब मैं यहाँ पर हैश लगा दूँ तो मुझे एलिमेंट नहीं मिलेगा, नल मिलेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर आईडी नहीं दी है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हो। मैंने आपको क्लास नेम भी बता दिया, क्वेरी सिलेक्टर भी बता दिया, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी बता दिया। तो ये मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनर HTML का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो इस इनपुट को यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ, P माने पैराग्राफ, और इसके अंदर मान लो मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ओके, माई बैड, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था वो, और ये लीजिए सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है? अब मैं इसको मान लो प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सबसे पहले तो इसको एक आईडी देनी होगी। मैंने इसको एक आईडी दे दी, कि मैंने इसको मान लो पैरा नाम से एक आईडी दे दी, पैराग्राफ माने पैरा। अब मैं क्या करूँगा, इस क्वेरी सिलेक्टर में जाऊँगा और मैं पैरा लिखूँगा, और इसके आगे क्या करूँगा, हैश लगा दूँगा, क्योंकि वो एक आईडी है। और अब मान लो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो देखो मुझे पूरा का पूरा एलिमेंट मिल रहा है, उसने HTML का टैग भी दिखा दिया, और उसके अंदर जो वैल्यू है मुझे वो भी दिखा दी। पर मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सिर्फ ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए पैरा, ये जो टैग आ रहा है HTML का, मुझे ये टैग नहीं चाहिए, सिर्फ इस टैग के अंदर जो वैल्यू है वो चाहिए। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, इनपुट यानी कि आपका वेरिएबल का नाम डॉट इनर HTML, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा यहाँ इनर HTML। जैसे आप लिखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस HTML के टैग के अंदर जो वैल्यू रहेगा वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनर HTML का यूज़ करते हो। तो जो भी आपने यहाँ अगर क्लास दी है तो आप डॉट लगा देना यहाँ पर, और नहीं तो आप चाहें तो इस हैशटैग को हटा करके यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो यहाँ हम डायरेक्ट ही आईडी से टारगेट कर रहे हैं, तो हमें हैशटैग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ डायरेक्ट क्लास नेम से टारगेट कर रहे हो तो आपको डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हो तो आपको हैशटैग लगाना पड़ेगा, अगर आप आईडी से प्राप्त करना चाहते हो वैल्यू, और अगर आप क्लास से प्राप्त करना चाहते हो तो आपको उस क्लास के आगे डॉट लगाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर टैग नेम लिखते हो तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैग नेम लिखना है, आपको कोई भी ना हैश लगाना है ना डॉट लगाना है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा इनर HTML काम करता है, और ये चारों फंक्शंस हमारे काम करते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको इससे जानकारी मिली होगी इन चारों चीज़ों के बारे में, और इनर HTML का यूज़ कैसे करते हैं आपको ये भी पता चल गया होगा, और आप HTML टैग के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू कैसे प्राप्त करनी है ये भी जान गए होंगे। वेब डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, आगे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट इसी के बेस पर करने वाले हो। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो से आपने वो चीज़ सीखी है जो आप सीखना चाहते थे, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको फ्री में इतना अच्छा कोर्स ये करा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ सब कुछ, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।